क्या आपके घर की गाड़ी आपको किसी भी तरीके का इनकम दिलाती है? नहीं। हेलो और नमस्ते पेचेक प्रोज, मैं हूं मनीष आहूजा और यह है पेचेक टू प्रॉफिट इंडिया का पहला यूट्यूब चैनल जो बात करता है आपके साथ आपके ही फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में। अगर आप सोच रहे हैं फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है, तो समझ लीजिए इतना पैसा कमा लेना या जमा कर लेना, इन्वेस्ट कर लेना, जिससे आपको कभी काम करने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि आपके हर महीने के खर्चे आपके इन्वेस्टमेंट से ही निकलते जाए। अगर यह ज़िंदगी आपको अच्छी लग रही है तो ये वीडियो ज़रूर देखिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपको हमारे हर वीडियोस के नोटिफिकेशन आ सके। इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता हूँ 4th, 14th और 24th तारीख को, और हर वीडियो बनता है हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में, तो आप अपने पसंद की भाषा का वीडियो देख सकते हैं। आज के वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगा दो ऐसे शब्दों के बारे में जिसका महत्व आपके इन्वेस्टमेंट और पोर्टफोलियो के ऊपर सबसे ज़्यादा होता है। ये दो शब्द हैं एसेट और लाइबिलिटीज़। शुरू करने से पहले मुझे आपको बता देने दीजिए कि एसेट और लाइबिलिटीज़ के दो तरह के मतलब होते हैं। अकाउंटिंग या फाइनेंशियल टर्म्स के हिसाब से जो एसेट और लाइबिलिटीज़ का मतलब होता है, वो आपके इन्वेस्टमेंट्स के हिसाब से वही एग्जैक्ट मतलब नहीं होगा, ये थोड़ा अलग होगा। तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से एसेट और लाइबिलिटीज़ का जो मतलब है, वो आपको मैं इस वीडियो में समझाऊंगा। अगर आपने अपने जीवन में कोई भी ऐसा परचेस किया है जो आपको उस परचेस वैल्यू के ऊपर और इनकम दिलाता है, उस परचेस को एसेट कहते हैं। ये सुनने में थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा, लेकिन अगर आप इसका कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो ये बहुत आसान है। क्या आपने कभी इंटरेस्ट, रेंटल इनकम या कैपिटल गेन्स के बारे में सुना है? अगर आपके पास ऐसी कोई भी परचेस है या आपके पास ऐसा कोई भी एसेट है जो आपको रेंटल इनकम, इंटरेस्ट, कैपिटल गेन्स एक्सेट्रा, ऐसा कोई भी प्रॉफिट लाकर देता है, तो वो आपका एसेट होता है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो और अगर आपको कैपिटल गेन्स क्या होता है ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है, तो ये भी समझना बहुत आसान है। सोचिए अगर आपने किसी एक्स कंपनी के शेयर 15-20 साल पहले 100 रुपये के वैल्यू पे खरीदे थे, आज अगर आप उन शेयर्स को लिक्विडेट कर रहे हो या मतलब बेच रहे हो और आज उन शेयर्स की वैल्यू 400 रुपये है, तो ये 15 से 20 सालों में आपके 100 रुपये की कैपिटल के ऊपर 300 रुपये का गेन हुआ है। आपका कैपिटल गेन 3x है, क्योंकि आपका परचेस प्राइस 100 रुपया था और आज उसका मार्केट वैल्यू 400 रुपया है, तो 400 - 100 = 300 रुपीज़ या 3x। उसी तरह से लाइबिलिटी जो है वो एसेट का एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है। अगर आपने ऐसी कोई भी परचेस की है जो आपको किसी भी तरीके का प्रॉफिट, एक्स्ट्रा इनकम, इंटरेस्ट या रेंटल इनकम नहीं दिलाता है, तो वो आपकी लाइबिलिटी हो जाती है। लाइबिलिटी के दो सबसे इम्पॉर्टेंट या कॉमन एग्जाम्पल्स जो हैं, वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगा। तो पहला एग्जाम्पल है गाड़ी। हर इंसान बहुत शौक से अपने लिए एक गाड़ी खरीदता है और उसको लगता है कि उसने अपने लिए एक नया एसेट खरीदा है। क्या आपके घर की गाड़ी आपको किसी भी तरीके का इनकम दिलाती है? नहीं। हाँ, वो आपको एक जगह से दूसरी जगह तक बहुत आसानी से पहुंचा सकती है, आपका टाइम बचा सकती है, ताकि आप कैब्स के लिए या रिक्शास के लिए वेट ना करें, लेकिन वो आपके लिए किसी भी तरीके का एक्स्ट्रा इनकम नहीं करती है। तो इसलिए आपकी गाड़ी आपका एसेट नहीं, एक लायबिलिटी है। लायबिलिटी का दूसरा सबसे कॉमन एग्जांपल है आपका घर। नहीं, आपका घर एक लायबिलिटी सुनने में बहुत अजीब लगता होगा, लेकिन ज़रा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। क्या आप जिस घर में रहते हैं वो घर आपके लिए किसी भी तरीके का इनकम जनरेट करता है क्या, या आपको किसी भी तरीके का रेंट आप खुद को भरते हो क्या अपने घर पे रहने का? नहीं ना। तो आपका घर आपके लिए क्योंकि किसी भी तरीके का इनकम जनरेट नहीं करता है, इसलिए वो आपके फाइनेंशियल टर्म्स में लायबिलिटी की तरह गिना जाएगा। इमेजिन कर लीजिए आपके पास दो घर होते, तो एक घर में आप रहते जो आपकी लायबिलिटी है, और आपका जो दूसरा घर है जो आपको रेंटल इनकम दिलाता, वो आपका एसेट बन जाता। आपके जितने भी लायबिलिटीज़ हैं, लेकिन अगर उनकी मार्केट में वैल्यू है, जैसे आपकी कार हो गई, आपका घर हो गया, ये भले आपके लायबिलिटीज़ में आते हैं, लेकिन इनका ओवरऑल वैल्यू आपके नेटवर्थ में आता है। नेटवर्थ मतलब ऐसी सारी चीज़ें जिसका मार्केट में वैल्यू है, जैसे आपके शेयर्स, आपका गोल्ड, आपका घर, आपकी गाड़ी, उसका आज की तारीख में मार्केट में कुछ तो वैल्यू है। तो इन सारी चीज़ों का वैल्यू इकट्ठा करके जो एक अमाउंट आता है, आपका बैंक बैलेंस भी उसमें ऐड कर दीजिए, वो आपका नेटवर्थ गिना जाता है।
तो भले आपका घर आपके लिए आज की तारीख में लायबिलिटी हो, लेकिन आप अगर उसे कभी भी किसी भी कारण बेचेंगे तो उसमें जो मार्केट की वैल्यू होगी वो आपके नेटवर्थ में जोड़ दी जाएगी। तो बस दोस्तों, इतना ही सिंपल होता है कॉन्सेप्ट एसेट और लायबिलिटीज़ का। मैं आशा करता हूँ आपको इस वीडियो को देखकर कुछ नया सीखने मिला हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पेचेक टू प्रॉफिट के बारे में पता चल सके और वो इन वीडियोज़ को देखकर कुछ नया सीख सके। अगर आपके पास किसी भी तरह के सवाल या सुझाव है तो प्लीज़ नीचे कमेंट्स में उसे पूछना ना भूलिएगा। अगर आपका कोई भी सवाल ऐसा हुआ जिसका जवाब मैं थोड़े ही शब्दों में जल्द से जल्द दे सकूं तो मैं उसको इमीडिएटली रिप्लाई कर दूंगा, लेकिन अगर आपका कोई सवाल ऐसा हुआ जिसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाकर आपको उसको डिटेल में समझा सकूं तो मैं उसका वीडियो बनाऊंगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक उसी सवाल का जवाब देख के कुछ नया सीख सकें। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी आने वाले अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, अपने चाहने वालों का ध्यान दीजिए और खुश रहिए। कचिंग।